Hey guys, what's up? So welcome to this live session on an academy and this is Piyush Porwal. और आज का हमारा live session है ये strategy for SSC CGL 2017 के बारे में. सबसे पहले उन सारे educators और वो सारे नए लोग जो अपनी knowledge को millions of students के साथ share करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उसको बांटना चाहते हैं, तो उनके लिए an academy educators app एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने प्रोवाइड किया है. आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोगों की लाइफ से कनेक्ट हो सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट गाइस, शेयरिंग इज केयरिंग आफ्टर ऑल. सो अब अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आज के इस सेशन में एसएससी सीजीएल की मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगा. स्ट्रेटेजी के अलावा मैं कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है. एक्चुअली हमारी आज की फ्रेंड्स जो पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो हमारे 3 महीने जो हमारे 80 to 85 days बचे हुए हैं, हमारी पूरी स्ट्रेटेजी इन 80 to 85 days के अलोंग रहेगी. ओके, एक्चुअली हमारा 2018 का टारगेट तो बहुत दूर है, तो उसके लिए हमारी डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहेगी. और आज मैं जो बात करूँगा वो टोटली SSC 2017 की स्ट्रेटेजी के लिए. फ्रेंड्स आपको पता होगा SSC आजकल बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. 2017 का नोटिफिकेशन 16 मई को आना, प्रोबेबली 16 मई को आ जाएगा. उसके बाद अगस्त में हमारा एग्ज़ाम होना है, प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम. और उसके अलावा हमारा 2017 का जो मेंस एग्ज़ाम है वो हमारा शायद नवंबर के महीने में एक्सपेक्टेड है. ओके, सो इस सेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में. बहुत सारे नए लोग हैं जिनको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हमारे इस सेशन में मैं बताऊंगा आपको. एसएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, प्री में एसएससी के 4 subjects आते हैं. ओके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस. ओके, इसमें चारों में 25 25 25 25 क्वेश्चंस रहेंगे. हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा. ठीक है, तो 200 नंबर का तो आपका एसएससी प्री रहेगा. प्री की मेरिट इस साल 175 गई थी, सॉरी 137 गई थी. गाइस मैं कमेंट्स को अभी अवॉइड कर रहा हूँ. कमेंट्स को मैं, आप इस सेशन के बाद आपके जो भी प्रॉब्लम हो आप इस सेशन के बाद अपने कमेंट्स को आप दे सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगा. ओके, तो इस साल की मेरिट 137 थी. मेरिट इतना ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रीजंस रहे थे कि इस साल का थोड़ा एग्ज़ाम ईजी था, टाइम एसएससी ने थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, 75 मिनट्स का टाइम दिया गया था, तो इन सब कारणों से मेरिट थोड़ी ऊपर चली गई थी. ओके, बट कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन को उसी मेरिट के अलॉन्ग है ना प्रिपेयर करते रहिए. और सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक पी हो, चाहे रेलवे, गेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आप जिससे लड़ने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके अपोनेंट का नेचर क्या है. ओके, यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप अगर एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं सबसे पहले मार्केट जाइए. मार्केट जाके सबसे पहले प्रीवियस ईयर, कम से कम 10-15 साल के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप 2 or 3 दिन बैठिए. 2 or 3 दिन बैठ के आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट को पकड़ना है, उनको पलटते रहिए. प्रैक्टिस सेट पलटने से आपको क्या होगा कि आपको मैं या कोई भी और आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता, है ना. आपको पता होगा कि आप जिस एग्ज़ाम की फाइट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में क्या पूछना है, क्या आपको करना है, कैसे उसको अप्रोच करनी है ना. क्वेश्चंस का फ्लेवर क्या है, ठीक है. आपने मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन आपने वही नहीं पढ़ा जो उस एग्ज़ाम में आना है, या आपने उस तरीके से उस चीज़ को नहीं पढ़ा जिस तरीके से एसएससी का वो फेवरेट है और एसएससी उसको पूछ रही है. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या आना है और क्या नहीं आना है. गाइस प्लीज़ मैं कमेंट्स पे बाद में आऊँगा. और उसके अलावा आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. वेल बिगन इज हाफ डन. अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप मान के चलिए कि आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. आप कुछ पढ़ेंगे कुछ आएगा, ठीक है. एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ. 2 लोग कॉम्पिटिशन की फाइट कर रहे हैं, ए एंड बी. ए बहुत ही लेबोरियस है, 12 से 15 घंटे पढ़ता है, ठीक है. बहुत सारी बुक्स को पढ़ता है, 10-12 बुक्स को लेके बैठा है और एकदम जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है, ठीक है. बी जिसको मॉडरेट नॉलेज है, मॉडरेट उसकी अप्रोच है, और वो केवल 6-7-8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ रहा है. एग्ज़ाम जब होता है तो आप देखते हैं कि बी का सिलेक्शन होता है, ए का नहीं होता. क्यों नहीं होता, रीज़न, द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि ए की अप्रोच जो थी वो एक मजदूर वाली अप्रोच थी, है ना, जम के लगे रहना, और टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच वो नहीं थी. ओके, जबकि बी की अप्रोच थी, बी एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच लेके चल रहा है. उसके अलावा एकदम बिल्कुल वो पॉइंटेड, जिस एग्जाम के लिए फाइट कर रहा है उस एग्जाम के लिए वो फाइट कर रहा है ना,
एकदम पर्टिकुलर उसका टारगेट सेट है कि मुझे जिस एग्जाम की फाइट करना है मैं एकदम उसी एग्जाम के लिए लगा हुआ हूँ, यानी कि वो बिल्कुल भी डाइवर्जन नहीं है, इसीलिए बी का सिलेक्शन हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको एकदम डेडिकेशन, रिलीजियसनेस और एकदम ज्यूडिशियस सिलेक्शन ऑफ बुक्स, अगर ये तीन चार चीज़ें आप अगर करके ले जाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी आधी प्रिपरेशन तो यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। दूसरी चीज़, मैंने बुक्स की बात की, बुक्स के लिए फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए हमको मल्टीपल बुक्स नहीं लेनी है, क्लियर। देखो भाई, तीन महीने यानी कि तीन महीने भी शायद अब नहीं है, आज 14 मई हो चुका है, 16 मई को नोटिफिकेशन आएगा और 8 अगस्त को इसका प्री एग्जाम है, ठीक है। आपको मल्टीपल बुक्स बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। ओके, मल्टीपल बुक्स खरीदने में क्या होगा, आप कोई भी बुक आप मार्केट जाएंगे या बुक लेके आएंगे, हर बुक में चाहे वो आर एस अग्रवाल ले लो, चाहे वो रेन एंड मार्टिन ले लो, चाहे अरुण शर्मा ले लो, एस पी बख्शी ले लो, है ना, डी एन मिश्रा ले लो, कोई भी बुक आप ले लो, हर बुक में आपको एक दो टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। भाई बुक के बेचने की मार्केटिंग के लिए एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका ये मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं होता कि आप मार्केट जा रहे हैं और सारी की सारी बुकें उठा ला रहे हैं, क्योंकि तीन महीने का टाइम है, तीन महीने में आप मैथ की चार बुक और पाँच बुक कैसे लगा लेंगे, कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, पांच बुकों को एक एक बार लगाने के बजाय आप एक बुक को पांच बार लगाइए, जम के लगाइए, एकदम घोंट डालिए पांच बार, ठीक है। उसका रीजन है, सारी बुकों में ऑल अबाउट करीब 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 सेम जैसा मैटर रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, थोड़ी बहुत अप्रोच डिफरेंट रहेगी। अब आप जब पहली बार आप मैथ की बुक, पहली बार आप इंग्लिश की बुक, कोई भी बुक जब आप पहली बार लगाते हैं तो मुझे लगता है कि पहली बार में आप पूरी पूरी बुक करके नहीं ले जाते, है ना, बहुत सारे धक्के लगाने के बाद आप बुक को पूरा कर पाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन को आप आंसर की से देख लेते हैं, कुछ नहीं आता तो अपने सर से पूछ लेते हैं, कुछ एजुकेटर्स की हेल्प लेते हैं, है ना, कुछ को आप बहुत बार इधर उधर से देख देख के कर लेते हैं, यानी कि ओवरऑल आपने बहुत सारा पुश किया तब जाके आप एक बार कर पाए। आपको लगता है कि एक बार बुक करने के बाद आप उस बुक में मास्टरी कर चुके हैं, बिल्कुल नहीं, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना है, एक बुक को पाँच बार, ना कि पाँच बुकों को एक बार। एसएससी की सबसे बड़ी की यही है, आप ध्यान रखिएगा। बुक्स पे मैं बाद में आऊँगा, कौन सी बुक आपको लेनी है और उन बुक के किस सेक्शन को कैसे पढ़ना है, कौन से सेक्शन को अवॉइड करना है, कौन से सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। पहली चीज, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताया, एग्ज़ाम के पैटर्न का मैंने प्री बताया। मेंस में हमारे यहाँ क्या है, प्री में 200 नंबर की चार चीज़ें हो गई, 50 50 50 50। मेंस में 200 नंबर की मैथमेटिक्स है फ्रेंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एप्टीट्यूड है, आपको एकदम ऐसा नहीं है कि आपको ऊंटपटांग चीज़ें पढ़नी है। एसएससी आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है, जो टफ टफ क्वेश्चन एसएससी आपको दे रहा है, उन टफ क्वेश्चंस में फ्रेंड क्या दे रहा है, कुछ ऐसी ट्रिक एसएससी छोड़ेगा जो आपको पकड़नी है, दैट्स ऑल अबाउट एप्टीट्यूड। ओके, यही सिर्फ एप्टीट्यूड है, आपकी इंटेलिजेंस को चेक करना है, ना कि आपकी नॉलेज को चेक करना है, ठीक है। नॉलेज तो बहुत सारे लोगों में है, लेकिन एक कॉम्पिटिटर के अंदर एप्टीट्यूड को चेक करना एसएससी का मेन मकसद है, ठीक है। उसके अलावा चारों सब्जेक्ट को आपको टाइम बांटना है, तो टाइम बांटने के लिए आपका सिलेक्शन बहुत ही ज्यूडिशियस, क्या करना है इसमें, चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम बिल्कुल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, आप एक चीज़ समझिए, रीजनिंग और जनरल नॉलेज केवल 50 नंबर में है, मैथ और इंग्लिश 500 नंबर में है, 100 नंबर का प्री, 400 नंबर का मेंस। अब आप खुद समझ लीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे कि आपको टाइम मैथ और इंग्लिश में क्यों ज़्यादा देना है। फ्रेंड्स, एसएससी के जो ताले की चाबी है वो मैथ और इंग्लिश में ही छुपी है, अगर आप इन दो चीज़ों पे आपकी कमांड हो जाती है, और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये तीन महीने हैं, तीन महीने बहुत है आपके एग्जाम के सिलेक्शन के लिए, तीन महीने बहुत है सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड फाइट के लिए। मुझे लगता है आपके सामने अनएकेडमी के फाउंडर रोमन सर से बड़ा एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 21 ईयर्स में जो आईएएस फाइट करते हैं, 16 साल की एज में जो एम्स का एग्जाम फाइट करते हैं, ऐसे एग्जाम्स को उन्होंने फाइट किया जिसमें 10-10 लाख लोग बैठ रहे हैं, 8-8 लाख, 10-10 लाख लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, टारगेट ओरिएंटेड, सिर्फ उतना, ज्ञानी मत बनो, ज्ञानी नहीं बनना, ठीक है, सिर्फ उतना पढ़ो कि जितना एग्जाम में आना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, बुक्स का सिलेक्शन हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, एस पी बख्शी सबसे बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल, मैंने यही पढ़ी है, बाकी आप देख लीजिए, एस पी बख्शी की बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं बाद में आऊँगा उसके अंदर के टॉपिक के बारे में बाद में आऊँगा। एस पी बख्शी थ्योरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए अजय कुमार सिंह की एक बुक है, एमबी पब्लिकेशन, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन में क्या है गाइस, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, बख्शी से आपको पढ़ना है,
एमबी पब्लिकेशन से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये दो काम, इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। इंग्लिश का आप मान के चलो जितनी सारी चीज़ें आप एग्जाम में मिलेंगी वो सारी चीज़ें आपको इन दो जगह से मिल जाएंगी, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना, केवल 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में बख्शी। अच्छा, बख्शी के अंदर अब चलते हैं थोड़ा सा, बख्शी में क्या पढ़ना है। बख्शी के अंदर प्रीपोजिशन, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट जो मैंने सबसे पहले बोला था, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लाइए। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको किस किस तरीके से पढ़नी है। तो अगर आप ये करेंगे आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो SSC की हॉट चॉइस में शुरू से आज तक रही हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। नीतू सिंह मैम की बुक भी अच्छी है, आप ले सकते हैं, राहुल सैनी। तो आपको ये करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बख्शी में आपको क्या क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी है। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, जैसे वर्ब, वर्ब का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वो स्पॉटिंग एरर हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो क्लोज पैसेज हो, ये सारी चीज़ों में वर्ब के आपके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रीपोजिशन, SSC में बहुत ही फेवरेट SSC का टॉपिक रहा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्लोज पैसेज में आपका यूज होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में यूज होगा, स्पॉटिंग एरर में भी ये यूज होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको अप्रोच करना है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसके पीछे एक्सरसाइज दी गई है ए और बी, उन एक्सरसाइज को आप लगाइए। बुक में आप टिक मार्क मत करिए, बार बार उनको करना है, लेकिन बुक में आपको टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट MB पब्लिकेशन शुरू से लगाइए। इसके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करूंगा गाइस, जो कि ज़्यादातर लोगों के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी था शुरू में। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या रहता है गाइस इसमें, आप जब भी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम पहले बुक को पूरा पढ़ डालते हैं, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। ऐसा करने में फ्रेंड्स क्या होता है, 3 महीना निकल चुका होता है, तब तक एग्जाम आपके सिर पे खड़ा होता है और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल भी देखिए परेशान मत होइए, सबके कोई भी सीख के नहीं आता। 50 क्वेश्चन का पेपर आएगा प्री में, 50 नंबर का पेपर आएगा, सॉरी 50 में जब आप शुरू करोगे तो शुरू में आपके 5 नंबर आएंगे, 10 नंबर आएंगे, 15 आएंगे, फिर धीरे 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 वो आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है इसमें, आपको प्रैक्टिस करनी है। करना तो आपको ये बता तो हम सकते हैं, लेकिन करना आपको है, ठीक है। शुरू में 5 आएंगे, 10 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप उसी प्रैक्टिस सेट को जब दोबारा लगाओगे तो आपके उसी में 30 नंबर और 35 नंबर आने लगेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे बुक ऐप में। बुक ऐप सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, SP बख्शी में बुक ऐप सेक्शन के 2 दिए हुए हैं, ठीक है, Part 1 और Part 2। आप उनसे बुक ऐप करिए। उनसे बुक ऐप करने के बाद आपको दूसरी चीज़ ये करनी है, एक सारे लोग आप यूज़र फ्रेंडली हैं, नेट आप यूज़ कर रहे हैं, आपको एक चीज़ करनी है, एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड में मिलेगा Volt, 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 ठीक है। वोल्ट ऐप के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जब भी आपको खाली टाइम हो तो बोल्ट ऐप से आप यूज़ करिए। बोल्ट ऐप में क्या होगा, उसमें जो भी वर्ड्स दिए हैं उनकी कोई ना कोई फ़नी इमेज, कोई फ़नी स्टोरी, कोई GIF इस टाइप से आपको मेंशन किया गया है, तो आप आराम से उसको याद कर सकते हो, ठीक है। आप रट नहीं सकते इन चीज़ों को, बुक ऐप को आप कभी रट नहीं सकते, ठीक है। आप कुछ चीज़ों से फैमिलियर होना पड़ेगा, एक एक चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे, बार बार देखोगे, है ना, तब जाके वो चीज़ें आपके व्यवहार में स्वतः आ जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक चीज़ समझो, मैं आपसे पूछता हूँ 2 और 2, आप तुरंत बोलोगे 4, मैं बोलूँगा 6 और 4, आप तुरंत बोलोगे 10, मैं बोलूँगा 35 और 37, आपको टाइम लगेगा, आप 2-3-4-5 सेकंड लोगे तब आप मुझे बताओगे 35 और 37 72 होता है। ये क्यों लगा, इसका रीज़न ये था कि 2 और 2 4 हम दिन में 10 बार बोल रहे हैं और हम इन चीज़ों को लेके बहुत फैमिलियर हैं, तो जो चीज़ें हमारे व्यवहार में बस चुकी हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमें बिल्कुल भी माइंड का यूज़ नहीं करना पड़ा। 2 और 2 पूछा तो मुंह से तुरंत निकल गया 4, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर वर्ड मीनिंग के लिए थोड़ा फैमिलियर होने के लिए आप इन्हें क्या करो, आप अपने डेली लाइफ में यूज करो, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपके माहौल में ऐसे लोग नहीं रहते जिनसे आप बात कर पाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से बात करो, ठीक है, खुद से इंटरेक्ट होना सीखो, थोड़ा सा एंड्रॉयड और ये इसकी लाइफ से थोड़ा दूर जाओ, है ना, थोड़ा खुद से बात करो, तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ये चीज़, ठीक है। आप कैलकुलेशन के लिए एक चीज़ और भी कर सकते हो, आप नंबर्स होते हैं, नंबर्स को आप फ्रीक्वेंटली आप लिख लीजिए, ठीक है, आप 5-5, 6-6 क्वेश्चंस को डेली आप सॉल्व करिए, तो 10-5 दिन बाद आप क्या होगा, 10-5 दिन बाद आपको ये होगा कि वो चीज़ें आपके मुंह से खुद निकलने लगेंगी, वो उन चीज़ों में आप फैमिलियर होने लगोगे, ठीक है, ये रहा। इसके अलावा
अब बात करूंगा मैं जीके और रीजनिंग, इनमें हम थोड़ा थोड़ा जाएंगे, बाकी हमारा मेन फोकस रहेगा इंग्लिश और मैथमेटिक्स के ऊपर। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोई भी स्पेशल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीज़न है कि एसएससी की जो रीजनिंग है वो बहुत ईजी आती है, ठीक है, बहुत सिंपल रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे और आप कभी भी 15 से 17 क्वेश्चन एक नया बंदा कर सकता है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 20 प्लस 22 23 पे आप बहुत आराम से निकल सकते हो एसएससी की रीजनिंग के लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना है कि आप जो प्रैक्टिस सेट लाओगे उन प्रैक्टिस सेट से रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, शुरू में आप मान लो 15 कर रहे हो, 17 कर रहे हो, फिर 18, फिर 20, फिर धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ने लगेगा और रीजनिंग में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। तो ये तो बात रही रीजनिंग की। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके के लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आपको लूसेंट की बुक लेनी है, ठीक है। लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक आती है, 3 महीने का टाइम है, आप बिल्कुल भी मत भटकिए, लूसेंट की सामान्य ज्ञान को लीजिए। और आपके एक्चुअली जो इस टाइम पेपर आ रहा है, पेपर हमारा बहुत इजी आ रहा है, ठीक है। तो इजी पेपर में हमको क्या करना है, लूसेंट की बुक जो आप लेंगे आप उसको सिर्फ रीडिंग करिए, आप रटने की कोशिश मत करिए। अच्छा, रीडिंग भी करिए तो रीडिंग के लिए हमको क्या करना है, आप उसको पहले थोड़ा डिवाइड करिए, समझिए पेपर का पैटर्न क्या है, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था, आप वहाँ से ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे। उसमें क्या करना है, जैसे आप हिस्ट्री है, एशियन हिस्ट्री में आप टाइम बहुत ज़्यादा मत दीजिए, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ज्यूडिशियस नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको नॉलेज गेन नहीं करना है, आपको वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री के लिए एशियंट में अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं तो सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म देख लीजिए, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य देख लीजिए, यहाँ से अगर कुछ आता है तो आ जाएगा, अदरवाइज नथिंग, ठीक है। दिल्ली सल्तनत मीडियवल में आप देख लीजिए, ठीक है, ये सब, ज़्यादा कुछ डीप में मत जाइए। जितना भी फोकस आपको करना है वो आपको करना है किस पे, मॉडर्न इंडिया पे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आराम से मिलेगा, ठीक। ऐसे ही ज्योग्राफी, जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों पे आपको कंसंट्रेट करना है। पॉलिटी, जनरल साइंस पे फ्रेंड्स लूसेंट की बुक में आपको स्पेशल फोकस करना है, स्पेशल फोकस, क्योंकि जनरल साइंस अगर 25 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो 25 में आप मान के चलिए 8-10 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से मिल जाएगा। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैंक का एग्जाम नहीं है, बैंक में करंट अवेयरनेस आती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो करंट से रिलेटेड पूछते हैं। एसएससी में फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एसएससी में जो भी करंट अफेयर आएगा, चाहे तो आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए पुराने, एसएससी में जो करंट अफेयर आएगा वो आपके थोड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें आएंगी, ठीक है, बहुत डीप वो नहीं जाएगा। एग्जाम्स में अगर वो पूछता है तो जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लिया, ऑस्कर अवार्ड पूछ लिया, ओलंपिक पूछ लिया, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बातें, थोड़े बहुत क्वेश्चंस बुक्स वगैरह के बारे में पूछ लिया, राइटर कौन है, कोई भी करंट में कोई भी बड़ी शख्सियत का अगर देहांत हुआ है तो उसके बारे में एसएससी का फेवरेट रहा है कि ये है, ये भाई किस फील्ड से संबंधित हैं, इस टाइप के, तो ज़्यादा डीप में करंट एसएससी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर के लिए केवल नेशनल इंटरनेशनल आप हल्का फुल्का देखते रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम 3 महीने में नहीं देना है। उसके अलावा जीके के लिए आपको लूसेंट की बुक, लूसेंट की बुक के अलावा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों की हमारी बात हो गई, हमारी 100 नंबर की कहानी यहाँ पे ख़त्म, ठीक। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया एसपी बख्शी की बुक ले लीजिए, एसपी बख्शी की बुक के अलावा आप अगर एमबी पब्लिकेशन लेते हैं तो आपको ये 2 लगाना है। 3 महीने में आप देखो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी बुक है, लूसेंट की बुक भी है इंग्लिश के लिए। आप एक चीज़ बताइए, नाउन का चैप्टर अगर 1 नंबर की कोई चीज़ एग्जाम में आ रही है तो उस नाउन के चैप्टर के लिए 70 पेजों का नाउन पढ़ना, मुझे लगता है, आपको लगता है कि ज्यूडिशियस है? मुझे तो नहीं लगता कि ज्यूडिशियस है कहीं से भी, ठीक है ना। तो टारगेट ओरिएंटेड एसपी बख्शी में 2-3 पेजों में जितना सफिशियंट है वो नाउन दिया हुआ है, आप उतना पढ़ो, उन्हीं रूल को बार बार पढ़ो। 3 महीने में रूल आप रट नहीं पाओगे, रूल को रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना आप ध्यान रखो अगर आपने रूल पढ़ रखा है, ठीक है, आप थोड़ा सा फैमिलियर हो उससे, तो एग्जाम में जब वो आपके सामने आएगा तो आप उस चीज़ को कर पा रहे होगे, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन आपको करते रहना है, प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू लगाना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, वोल्ट का मैंने बता ही दिया, ठीक। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले आप डिवाइड करिए कि मैथमेटिक्स में आना क्या है। 2012 तक के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 2012 से पहले सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक एसएससी की चॉइस हुआ करती थी। 2012 में एसएससी ने एक बड़ा चेंज किया। 2012 में एसएससी ने क्या किया कि एडवांस मैथ की बात की, मैं टाइम टेबल पे आऊँगा, सुभाष गंगवार 2 मिनट अब थोड़ा रुकिए। तो एसएससी ने टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज, सॉरी
एसएससी ने सिलेबस में थोड़ा चेंज किया और करंट अफेयर सॉरी थोड़ा चेंज किया और इसमें एडवांस मैथ को इंक्लूड किया गया। ठीक है, एडवांस मैथ में क्या था, 50 में से 2012 में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आए थे। ठीक है, तो आप सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए अरिथमेटिक और एडवांस। ठीक है, अरिथमेटिक में आपको क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक में स्टार्टिंग कैसे करनी है ये आप समझिए, किस बुक से पढ़ना है ये मैं इसके लास्ट में बताऊंगा, स्टार्टिंग कैसे करनी है। फ्रेंड्स देखिए, एक सीरियल होता है, ऐसा नहीं है आप कोई भी चीज़ पहले पढ़ लेते हैं कुछ भी बाद में पढ़ेंगे, तो एक सीरियल से अगर कनेक्ट करके पढ़ेंगे अगर, है ना, तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप परसेंटेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये तीन चीज़ें एसएससी के अरिथमेटिक का सोल कहलाती हैं। ठीक है, अगर आपकी इन तीन चीज़ों पे कमांड है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे मान के चलिए कि बहुत सारे चैप्टर, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो स्पीड एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, अगर ये तीन चीज़ें आपकी कमांड में हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, इन तीन चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ों को आप हिट कर सकते हो। ठीक है, तो एसएससी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये तीन चीज़ें पहले करना है, इनके बाद आप अरिथमेटिक, ये तीन चार टॉपिक जब आपके हो जाएंगे तब आप बढ़ेंगे एडवांस। एडवांस एसएससी का बहुत फेवरेट है, एडवांस में जो वैरायटी मेंटेन हो रही है आज के टाइम में, वो पूरी की पूरी वैरायटी एसएससी एडवांस में मेंटेन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिएगा, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और ज्योमेट्री, इन चार टॉपिक में एसएससी अच्छी खासी वैरायटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये करना है। इसके बाद पहले अरिथमेटिक के जो तीन चार क्वेश्चन हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे आते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे, उसके बाद अरिथमेटिक और उसके बाद एडवांस। ठीक है, इनके अलावा मैथ में आपको दो तीन चीज़ें और आपको कर दी है, एक आपको अपना डाउट बैंक बनाना है, क्वेश्चन बुक, एक अपनी डायरी मेंटेन करिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब एग्ज़ाम के 10-15 दिन बचेंगे तो जो क्वेश्चन आपने पहली बार में कर लिए हैं, ठीक है, तो पहली बार में जो क्वेश्चन कर लिए वो तो आपने आज भी किए, आप कल भी कर सकते हो और परसों भी कर सकते हो, उन क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आप इधर उधर से हेल्प लेके करते हो, आप आंसर की देखने के बाद करते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बार बार करते हो, लेकिन जब भी आप अगली बार उनको करोगे तो आप उनमें अटक रहे होते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी बुक में उन क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, उन क्वेश्चन की डायरी मेंटेन कर लो। ठीक है, क्योंकि जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम बार बार ना हो पाए, इसके लिए आप डायरी मेंटेन करो, डाउट बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, फॉर्मूला बैंक आप एक बना लो, जो अच्छे अच्छे फॉर्मूले आपको मिलते जाते हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलों को एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करने के लिए आपको एक जगह रखना है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने परसेंटेज का कोई फॉर्मूला पढ़ा, आपने सिंपल इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला पढ़ा, आपने अलजेब्रा की कोई ट्रिक पढ़ ली, या फिर आपने मेंसुरेशन का कुछ पढ़ लिया, अब एग्जाम से दो दिन पहले बहुत ज़्यादा एकदम भटक रहे होते हो कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैंने उस टाइम कहाँ से पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये डाइवर्जन ना हो, इस डाइवर्जन के लिए क्या करना है, जब आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो प्रिपरेशन के साथ में ही आप एक फॉर्मूला बैंक और अपनी एक क्वेश्चन की प्रॉब्लम की डायरी, ये दो चीज़ें आप मेंटेन करके चलो। ठीक है, बहुत ही रिलीजियसली आप इनको मेंटेन करो, एग्जाम के थोड़ा सा पहले आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए आपके वीक एरियाज क्या है और आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है। वो क्यों, आप मान के चलो कुछ लोगों का अरिथमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ने बैठोगे तब आप ज़्यादा टाइम अरिथमेटिक को देना ज्यूडिशियस नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आपको आता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा टाइम आपको कहाँ देना है, आपको एडवांस पे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि जो आपका वीक सेक्शन है उस पर आप ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ की बुक की, मैथ्स की, मैथमेटिक्स के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आपके लिए बेटर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने यूज किया है, आप क्या करो, आप बिहार की कोचिंग है प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म कोचिंग से आप प्लेटफॉर्म की बुक आपको मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी, उन्होंने बुकलेट बना रखी है छोटी छोटी, आप वो ले लो। उस बुकलेट को लेने का फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारी बुक्स नहीं लेनी पड़ेंगी, एक ही चैप्टर में बहुत सारी वैरायटी एग्जाम के, मतलब टोटली एग्जाम ओरिएंटेड, स्पेशली एसएससी ओरिएंटेड उन्होंने बुक बताई है। ठीक है, उसमें लेवल वन, लेवल टू, उसके बाद प्रीवियस ईयर, यानी कि कोई भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक की सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी अगर थोड़ा बिलीव कर सकते हो, 3 महीने का टाइम बचा है, 6 बुकें खरीदने के बजाय प्लेटफॉर्म की आप बुक ले लो, नहीं 1450 वाली तो आपको लेनी ही लेनी है अजय सांगवान, उसके अलावा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, इस टाइप के उन्होंने छोटे छोटे वॉल्यूम बना रखे हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, वो आपको लेना है। ठीक, इसके अलावा
बहुत सारी साइट्स हैं जो हर संडे, हर सैटरडे या वीक में एक या दो दिन के लिए मॉक टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सबके शुरू में कम आते हैं, 50 में 50 शुरू में किसी के नहीं आते, लोग 5 और 10 और 15 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करो, उन मॉक टेस्ट को देना जरूर है, आपको बिल्कुल नहीं भटकना है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है, एकदम रिलीजियसली आप उनको दीजिए, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम से जब आपका 15 दिन 10 दिन एक महीना बचेगा, उसके पहले आप किसी भी एक अच्छी साइट की, किसी भी अच्छी कोचिंग की एक आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहेगी, ठीक है ना। तो ये सब आपको करना है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अब आपको अगर कोई डाउट है तो आप इस सेशन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए साइट पूछ रहे हैं कोई, तो स्पेसिफिक साइट का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको मॉक टेस्ट दे रही हैं, बहुत सारी कोचिंग हैं जो आपको ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम से 15-20 दिन एक महीने पहले आप एकदम प्रॉपर आप वो ले लेना, ठीक है, किसी भी साइट को। और राकेश सर की बुक भी अच्छी है, आप चाहो तो ले सकते हो, नो इश्यू, बट मैंने प्लेटफॉर्म की बुक सजेस्ट की है, तो मैंने वो की है इसलिए मैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी थी वो। प्लेटफॉर्म इंग्लिश में भी आती है फ्रेंड्स, आप वो ले सकते हो। लूसेंट इंग्लिश नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल मुझे नहीं लगता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लूसेंट इंग्लिश, आर्यंत के एससी गुप्ता, ये बुक आपको नहीं पढ़नी चाहिए फिलहाल, क्योंकि इन बुक्स में क्या है, इन्होंने रिडंडेंसी बहुत कर दिया है। एक एक चैप्टर को इन्होंने एक ही रूल को इतने तरीके से बोला है कि आप एक ही चैप्टर में 15-15, 20-20 दिन लगे रहेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। एडवांस मैथ के लिए मैंने बताया था प्लेटफॉर्म की बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन मार्केट, आप यूज कर सकते हो। किरण के प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। प्लेटफॉर्म की जगह नहीं, प्लेटफॉर्म अच्छा है, आप ले लो। कॉमन एरर्स के लिए अशोक कुमार सिंह की बुक आती है, आप वो ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी, एक्चुअली मैंने आज जो बात की है वो हमारे केवल 3 महीने के टाइम, 85 डेज बचे हुए हैं, उसको ध्यान में रख के की है, ठीक है। तो उसके लिए अभी अशोक कुमार सिंह अगर आप नहीं भी लेंगे, ठीक है, तो वो चलेगा। उसका रीज़न है, एसपी बख्शी की जब आप बुक पढ़ोगे तो एसपी बख्शी में उन्होंने जितने भी ज़रूरत के रूल्स दिए हैं वो सारे दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। उसके अलावा जब आप एमबी पब्लिकेशन में 120 सेट दिए हुए हैं, 120 सेट फ्रेंड्स बहुत होते हैं, तो आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस करते रहो। जो भी रूल्स आपको नए मिलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एमबी पब्लिकेशन में रूल्स आपको मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे एसपी बख्शी में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उन रूल्स को अपनी किताब में टैग कर लीजिए, ठीक है। जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट, आपने जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लिए हैं उनसे ही आप जीएस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वोकैब के लिए मैंने बताया था एसपी बख्शी और बोल्ट की ऐप, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ओके, बाय बाय।